दोस्तों इंडियाज मेकर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने घरेलू बाजार हाल में ही लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 700 SUV को लॉन्च किया था। उसके बाद अब अपनी न्यू जबरदस्त कार XUV 200 SUV मिनी SUV पे भी काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों विस्तार में जानते हैं कि महिंद्रा कंपनी अपनी XUV 200 SUV को किस लुक और डिजाइन फीचर्स के साथ XUV 200 SUV को इंडियन मार्केट में पेश करेगी। उससे पहले कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा मोटर्स के तरफ से आने वाली काफ़ी ब्यूटीफुल एक मिनी SUV XUV 200 SUV के बारे में। दोस्तों महिंद्रा कंपनी अपनी कारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, बिकॉज अभी जो है SUV का कंपटीशन इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और महिंद्रा लोगों को अपने लवर्स को वो खुशी देना चाहता है जो और कंपनियां अपने ग्राहक को नहीं दे पाए हैं। इसलिए महिंद्रा कंपनी हर एक सेगमेंट में अपने कारों को इंडियन मार्केट में पेश कर रही है। जो अभी फ़िलहाल में XUV 700 SUV को नहीं खरीद पा रहे हैं उसके लिए महिंद्रा मोटर्स अब अपनी मिनी SUV XUV 200 SUV को भी लॉन्च करेगा। कंपनी इस कार को काफ़ी ब्यूटीफुल आकार के साथ और एक नया डिजाइन दिया है जो ग्राहकों को ये कार बेहद ही पसंद आएगी, बिकॉज ये तो एक महिंद्रा की कार है और दूसरा इसको काफ़ी कम प्राइस के साथ इंडियन मार्केट में लाया जाएगा। तो ये कार अपने सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट सेलिंग और जल्द ही कस्टमर फेवरेट SUV भी होगी। तो दोस्तों महिंद्रा मोटर्स ने इसके कैबिन को भी बिल्कुल अलग लुक दिया है और कई ज़बरदस्त फीचर्स के साथ इसके एक्सटीरियर में लाने की तैयारी में जुड़ी है। और कंपनी का कहना है कि जो लोग भारत में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 700 SUV से जो लोग नहीं ऑफ रोड नहीं कर पा रहे थे उसके लिए एक ज़बरदस्त बोल्ड कार XUV 200 मिनी SUV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग महिंद्रा की XUV 200 से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों XUV 200 SUV मिनी SUV का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर आप भी इस कार को खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए इंतज़ार फाइनली महिंद्रा कंपनी ने ख़त्म कर दिया है और जल्द ही इस कार को पेश किया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस कार में आपको दो ज़बरदस्त इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महिंद्रा मोटर्स इसको पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन में भी पेश करेगी और साथ ही इस SUV को एक माइक्रो लुक दिया जाएगा। तो जो लोग महिंद्रा XUV 700 SUV को कम प्राइस में खरीदना चाहते थे तो महिंद्रा XUV 200 को भी खरीद सकते हैं, बिकॉज इस कार का लुक काफ़ी ज़्यादा XUV 700 SUV से मिलता जुलता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार की लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली महिंद्रा मिनी SUV काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और एक फ्रेश क्वालिटी के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसका कंपैरिजन हाल में ही लॉन्च हुई टाटा की पंच और निसान की मैग्नाइट जैसे शानदार कारों से टक्कर होगी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि महिंद्रा की ये कार अपकमिंग कार अपना नाम बनाने में ज़्यादा समय लगाएगी। तो वहीं इसके एक्सटीरियर में आपको बिल्कुल नया फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा जिसमें आपको महिंद्रा का एक नया लोगो नजर आएगा। साथ ही आपको न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRS देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको नया बम्पर के साथ फॉग लैंप की नई हाउसिंग देखने को मिलेगी। रेयर में आपको नई टेल लाइट, नॉर्मल एंटीना, रूफ रेल, ORVM विद टर्न इंडिकेटर और इसके साइड प्रोफाइल में एक मोटी ब्लैक पट्टी देखने को मिलेगी जो कि XUV 200 SUV को काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगी। और साथ ही इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक के साथ नज़र आने वाली है, जिसका साइज R16-R17 के करीब होने वाला है। तो जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात आती है इस कार की इंजन पावर की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 85 BHP के करीब पावर और 117 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 5-speed की मैनुअल के साथ साथ AMT यानी कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों माइलेज में आपको कंपनी का दावा है कि आई भारत में लॉन्च हुई टाटा की पंच के मुकाबले
इस कार का माइलेज अधिकतम बताया जा रहा है, यानी एक अनुमान के अनुसार ये एसयूवी माइलेज में 28 से 32 के करीब आपको माइलेज देने वाली है, जो कि अपने सेगमेंट में ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन होगी। दोस्तों, आने वाली महिंद्रा एक्सयूवी 200 एसयूवी देश की टॉप सेलिंग कारों में प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, वहीं आप थोड़ा ध्यान दे लेते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी 200 एसयूवी कार के इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 7 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को सपोर्ट करने वाला है। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जो कि काफी सॉफ्ट स्टेयरिंग होगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज ग्लव बॉक्स, रेयर सीट विथ एसी वेंट पावर सॉकेट की ऑप्शन, लार्ज बूट स्पेस, 4 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, और नया जनरेशन को देखते हुए इसमें आपको ऑल पावर विंडो भी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही बताया जा रहा है इस कार में आपको कीलेस एंट्री भी ऑप्शन देखने को मिलने वाली है। तो इन शानदार फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ बात आती है इस कार की लाइफ इज इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी की। तो इसमें आपको ड्यूल फ्रंट एयरबैग भी, साइड कटन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और इसके पूरे बॉडी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलेगा। साथ ही आपको स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट डिवाइडेड विद पेडेस्टिनर, फॉलो मी होम फॉग लैंप जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन शानदार फीचर्स के साथ महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी 200 एसयूवी कार का मुकाबला इंडियन मार्केट में, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कि रेनॉल्ट काइगर और निसान की मैग्नाइट और हाल में ही लॉन्च हुई टाटा की 5 एसयूवी शानदार जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होने वाली है। और महिंद्रा की ये अपकमिंग कार माइक्रो एसयूवी की तरह एक लुक में देखा जाएगा। दोस्तों, यही जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से पता चला है कि महिंद्रा कंपनी अपना एक सीरीज तैयार करने की प्लानिंग में है, जैसे कि महिंद्रा की केयूवी 100 एसयूवी हो गया, एक्सयूवी 200 एसयूवी को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और एक्सयूवी 300 एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में भी तैयारी चल रही है, और एक्सयूवी 400 एसयूवी को 2022 के दौरान लॉन्च किया जाएगा, और एक्सयूवी 700 एसयूवी को लॉन्च कर दिया गया है। तो इस तरह महिंद्रा की कारों को अब देखा जा रहा है। तो दोस्तों, वहीं अब फाइनली बात आती है इस कार की लॉन्च और प्राइस की। तो इस कार की प्राइस एक अनुमान के अनुसार 5 लाख से शुरू होकर 8 लाख तक की आपको देखने को मिलने वाली है। और इस महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी 200 एसयूवी को इंडियन मार्केट में 2022 के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई छोटी मिनी एसयूवी कार की प्लानिंग में हैं, तो महिंद्रा कंपनी आपके लिए एक जबरदस्त एसयूवी लाने की प्लानिंग कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ, अगर आप हमारे स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक जरूर करना।